नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे धर्म में दीपक जलाने का बहुत महत्व है, और ऐसा माना जाता है कि दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनसे हम इसी दीपक के माध्यम से जुड़ते हैं। सुबह शाम दोनों ही समय दीपक को जलित करने का विधान है। जब भी दीपक जलाते हैं तो आप हमेशा ही, आप पुरुष है या महिला है, अपने सर को ढककर ही दीपक जलाइए। और कोई भी चीजें रख सकते हैं, जैसे रुमाल है, दुपट्टा है, यानी अपने सर को जरूर ढकिए। बिना सर ढके दीपक जलाने की गलती लोग अक्सर कर देते हैं, लेकिन ऐसा भूल कर भी ना करें। दीपक को कभी भी खाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, जैसे कि दीपक के नीचे आप फूलों की पंखुड़ी, कोई पत्ता है, दोना है, या फिर आप चावल के ढेर पर रखें, क्योंकि बिना आसन के दीपक जलाने से आपको उतने फल नहीं मिलते। जब भी आप माँ दुर्गा के लिए या कोई भी बड़ा मनोकामना की पूर्ति के लिए दीपक जलाती हैं, तो दीपक में तिल का तेल का प्रयोग कीजिए, क्योंकि तिल का तेल अगर डालती हैं तो आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होने की जो संभावनाएं वह बढ़ जाती है। और हमेशा ही सिर्फ इस सरसों के तेल का ही जब दीपक जलाएं तो रुई की बाती का प्रयोग करें, नहीं तो कलावा का ही प्रयोग कीजिए। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी नहीं होती। अगर आप अपने इष्ट देव की आराधना के लिए, मां लक्ष्मी के लिए दीपक जलाती हैं, तो हमेशा घी का ही दीपक जलाएं। अगर जीवन में शत्रु विरोधी परेशान कर रहे हैं, तब जब भी दीपक जलाइए तो सरसों का तेल का दीपक जलाइए और उसमें दो लौंग जरूर डालिए, क्योंकि लौंग डालकर आरती करने से शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। क्योंकि आज हम आपका टॉपिक है कि दीपक जलाने के समय कौन सा मंत्र बोले कि शत्रु विरोधी चाहकर भी आपको परेशान ना कर सके और आपकी प्रार्थना उस परम सत्ता तक, प्रभु तक पहुंच जाए। तो वैसे हमने स्क्रीन पर दिया है मंत्र, लेकिन एक बार हम आपको बोलकर सुना देती हैं। और वह मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। फिर से सुन ले, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। यकीन मानिए, अगर आप नित्य दिन इस मंत्र के साथ दीपक जलाती हैं तो शत्रु कभी भी परेशान नहीं करेंगे, आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी।